बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर, जॉब जिंदगी उदी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, एक न्यू अपडेट के साथ हाजिर हूँ। ये न्यू अपडेट है कि बीएड 1.5 ईयर, एमएड और एमए एजुकेशन, ये सारे जो हैं आपस में बराबर हैं। ये एचईसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन और ये रोड मैप जो है जारी कर दिया गया है टीचर एजुकेशन के लिए। अगर आपने जो है इंटरमीडिएट किया है तो आप एडी या बीए बीसी वाली कर सकते हैं या सिर्फ एडी एजुकेशन कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपके जो सेमेस्टर होंगे वो 4 होंगे। इसके बाद ये करने के बाद फिर आप जो हैं क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। बीएड आपका जो है 2.5 ईयर होगा आपका। और इसके अलावा अगर आपने जो है एमएससी किया हुआ है या एमए एजुकेशन किया हुआ है तो आप एमफिल एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रोड मैप जो है ये जारी कर दिया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका जो एमफिल एजुकेशन होगा या एमएस होगा, ये आपका जो है 1.5 ईयर होगा। इसके अलावा आपने जो है पीएचडी एजुकेशन के लिए भी आप जो हैं एलिजिबल हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये एचईसी की तरफ से जारी की गई है। और इसमें साफ साफ बताया गया है कि बीएड जो है और एमए एजुकेशन और एमएड, ये सारे जो है आपस में बराबर हैं। और ये सारे आपस में बराबर होने के बाद आप जो है एमफिल एजुकेशन और पीएचडी एजुकेशन, एमफिल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि बीएड कर रहे हैं, तो ये सारी जो है आप सबके लिए थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।